नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सूरी चाचर इमिग्रेशन से। दोस्तों आज मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं बल्कि आपका एक दोस्त, आपका शुभचिंतक बनकर आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगे जिनमें यह बताया गया है कि आपको कनाडा आने से पहले क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए, क्या क्या जरूरी सामान है। इन सभी वीडियोस में एक बात कॉमन ये है कि इन सब ने एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में जिक्र नहीं किया, और ये इम्पॉर्टेंट चीज है एक संदूक। जी हाँ, ये संदूक जो है ये एक खास संदूक है, ये किसी आम संदूक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और ये संदूक है दोस्तों आपके अपने सपनों का संदूक। जी हाँ दोस्तों, आप सब बहुत सारे सपने सजा रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारे सपने होंगे कि मैं जब कनाडा आऊंगा या आऊंगी तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, मैं एक गाड़ी लूंगा, मैं एक बंगला लूंगी, मैं वेकेशन पर जाऊंगी, और भी बहुत सारे सपने हमने सजाए हैं कनाडा को लेकर। दुख की बात दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग कनाडा आने के बाद उन सपनों के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सामान के साथ अपने सपनों का संदूक नहीं रखा था। वो सपने वहीं पर ही छोड़ आए थे, अपनी कंट्री में छोड़ आए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों जब मैं यहां पर आया था तो मैंने बहुत लोगों को देखा था कि वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, और उनका स्ट्रगल उससे भी बदतर था जो वो ऑलरेडी अपनी कंट्री में कर रहे थे। दोस्तों आपको ये सोचना है कि क्या आप यहां पर कनाडा अगर आ रहे हैं तो क्या आप लाइफ अच्छी जीने आ रहे हैं, या जो अपनी कंट्री में जी रहे हैं उससे भी बदतर लाइफ जीने आ रहे हैं। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो दोस्तों संदूक सपनों का बिल्कुल ना भूलें। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू डू इज कि अपने सपनों को याद रखिए, और हर बार, हर महीने दो महीने अपने सपनों के बारे में अपने आप को याद कराते रहिए। बहुत लोग भटक जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे। आप यहाँ पर अच्छी लाइफ जीने आ रहे हैं, और अपने आप को ये बार बार याद कराना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी लाइफ जीने आ रहे हैं। आपको यहाँ पर आके सक्सेसफुल बनना है, ना कि अनसक्सेसफुल। आपको एक ऐसी कहानी बनना है अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, कि लोग आपको देखकर प्रेरित हों और कहें कि जी हाँ, हमने कनाडा जाना है। अगर आपके मन में कनाडा आने की इच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो यहाँ पर आके कामयाब हुए हैं, लेकिन आपको वहाँ बैठकर शायद नाकामयाब लोग ना दिख रहे हों। लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारे नाकामयाब लोग भी दिखेंगे। तो याद रखें कि आपको अपनी गिनती उन नाकामयाब लोगों में नहीं बनानी है बल्कि कामयाब लोगों में बनानी है। दोस्तों मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने सपनों को जरूर याद रखें, और हर साल अपने सपनों के चिट्ठे को, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सपनों को लिख लें, कि इस समय जो आपके दिल में मशाल है, जो आपकी आंखों में जो सपने हैं, उनको आप कागज पर उतार लीजिए और हर साल उन सपनों को देखिए, उस कागज को निकाल कर देखिए, और अपने आप से पूछिए कि क्या आप वो लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे। अगर नहीं जी रहे तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपने सपनों की लाइफ यहाँ पर जिए। आप अपने रिश्तेदारों को, अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर यहाँ पर आ रहे हैं, रिश्तेदारों को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, फ्रेंड्स को छोड़कर आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपने अपने सपने पूरे नहीं किए तो दोस्तों ये एक अच्छी डील नहीं रहेगी। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए, समझिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये किस वजह से कह रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी सलाह आपके काम आए और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक